नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष से देश के व्यापार पर असर पड़ेगा। निर्यातकों का कहना है कि इस वॉर में खेपों की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतों पर असर पड़ना स्वाभाविक है, जिससे कई चीजें महंगी हो जाएंगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उन्होंने निर्यातकों से कहा है कि वे अपनी खेप या माल को उस क्षेत्र में रखें जो काला सागर का रास्ता अपनाते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तटीय इलाके में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के यह झटके मलेशिया और सिंगापुर में भी महसूस किए गए। भूकंप के कारण इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र पश्चिम सुमात्रा प्रांत के पहाड़ी शहर बुकी टिंगी के उत्तर पश्चिम में 66 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर की गहराई पर था। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डीए के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बकाए 18 महीने के एरियर को वन टाइम सेटलमेंट करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 13,166 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही दैनिक सकारात्मक दर 1.28% हो गई है। लगातार 19 दिनों से दैनिक कोविड-19 मामलों में 1 लाख से नीचे ये बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 3 चरणों के चुनाव बाकी बचे हैं। अब तक प्रदेश की 45 जिलों की 231 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी चरणों के लिए 27 फरवरी 3 और 7 मार्च को मतदान होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। पांचवें चरण के लिए आज शाम 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। सुपरमार्केट में लोगों ने दाल आटा सब कुछ खरीद लिया है। हम जब तक पहुंचे तब तक सब कुछ बिक चुका था। ऐसे में हमारे पास खाने के लिए मैगी, फल, ब्रेड या फिर जूस आदि खरीदना मजबूरी हो गया था। ये बातें उन लोगों ने कही हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के इवानो में फंसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी छात्र सना उर रहमान ने भी यही बातें दोहराई हैं। सना उर रहमान इवानो फ्रेंकुस्क इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS में प्रथम वर्ष की छात्र हैं। एशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे मौजूदा जंग की परिस्थिति ने दुनिया भर में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। रूस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई में यूक्रेन के निर्दोष आम लोगों का जीवन संकट में है। प्रियंका चोपड़ा ने मौजूदा यूक्रेन संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें यूरोपीय राष्ट्र के निर्दोष लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रियंका ने इस स्थिति को भयानक बताया है और उनकी मदद के लिए यूनिसेफ की तरफ से योगदान मांगा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में अपने भार वर्ग में बदलाव किया था और इसमें उन्हें सफलता भी हासिल की है। चानू ने शुक्रवार को गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एक बड़े टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने दावा किया है कि 4 राज्यों में एक बार फिर से उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक इस वक्त जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, बल्कि नड्डा का कहना है कि यहां सत्ता के पक्ष में लहर है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिक्रम मजीठिया को मोहाली की अदालत ने ड्रग्स मामले में 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद विक्रम सिंह मजीठिया को पटियाला की जेल में ले जाया गया है। विक्रम मजीठिया हालांकि पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश जरूर बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप जल्द ही शुरू होने वाला है। ये शो OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो के 3 कंटेस्टेंट कंफर्म हो चुके हैं और अब चौथे के नाम से पर्दा हटा दिया गया है। शो में रेसलर बबीता फोगाट भी आने वाली हैं। शो में उनका प्रोमो रिलीज हो गया है जिसमें वो कैदियों की तरह जेल में बंद नजर आ रही हैं। बबीता इस शो में रहने के लिए अत्याचारी खेल खेलती नजर आएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की CS प्रोफेशनल परीक्षा रिजल्ट का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। CS प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। परीक्षा में श्रुति नागर टॉपर है, वहीं दूसरे स्थान पर हरिहरन और तीसरे स्थान पर ज्योति अशोक कुमार शाह है। महीनों के इंतजार के बाद प्रशंसकों को आखिरकार एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की झलक मिलने लगी है। अनुष्का अपनी आगामी फिल्म चकदा एक्सप्रेस में एक क्रिकेटर की भूमिका निभा रही हैं। वो स्क्रीन पर वापसी के लिए जोरदार तैयारी कर रही हैं। शुक्रवार को अनुष्का ने चकदा एक्सप्रेस के लिए अपने नेट अभ्यास सत्र की एक झलक साझा की और पूर्व महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को प्रभावित किया। रशिया का यूक्रेन पर हमला दुनिया को काफी परेशान करने वाला है। इससे तेल, सीमेंट और दूसरे कई सामान महंगे हो जाएंगे। इस बीच रियल्टर्स बॉडी क्रिडाई ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के बीच सीमेंट जैसे कच्चे माल की कीमतों में संभावित वृद्धि के कारण आने वाले महीनों में मकानों की कीमत बढ़ सकती है।
आयकर विभाग ने मुंबई में शुक्रवार को शिवसेना के पार्षद यशवंत जादव के दो परिसरों पर छापा मारा है। जादव बहुन मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष है। जादव पर 15 करोड़ के घोटाले का आरोप भी है। आयकर की टीम ने मझगांव स्थित कॉपर कैसल पर भी छापा मारा। ये जादव का दूसरा आवास है। माना जा रहा है कि ये छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। इससे पहले राकंपा नेता और मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में अनियमितताओं को लेकर इससे पहले समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस मामले की जांच पिछले 3 वर्षों से चल रही है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी की एक ताजा रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने यह गिरफ्तारी की है। मतदान के बाद राजनीतिक पार्टियां राजधानी लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर हार जीत का गुणा भाग करने में जुट गई है। इस बीच सट्टा बाजार भी गर्म है। स्टोरिये भाजपा के 7 सीटों पर जीत बना रहे हैं। इसके अनुसार लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य को छोड़कर अन्य सीटों पर भाजपा की जीत का सट्टा लग रहा है। हालांकि इन सीटों का रेट बहुत अधिक नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को लेकर के कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मसौदे में बल को अधिकृत करने के अलावा मॉस्को को यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को तुरंत पूरी तरह से और बिना शर्त वापस लेने के लिए कहा गया है। RPSCRAS मेंस परीक्षा का आयोजन मार्च में किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निर्धारित राजस्थान स्टेट और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कम्बाइंड मेन एग्जाम 20 और 21 को होगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। RPSCRAS मेंस 2021 की तारीख परीक्षा स्थगित होने के लगभग 2 दिन बाद घोषित की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक 98,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इस कानून के तहत सजा मिलने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने बुमराह को T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल करने पर हैरानी जताई है। नेहरा ने क्रिकबस से बातचीत में कहा, मैं बहुत हैरान हूं कि बुमराह इन तीनों T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेल रहे हैं। बेशक हर खिलाड़ी खेलना चाहता है, लेकिन T20 सीरीज के बाद 2 टेस्ट मैच होने हैं। अभी और मैच आने बाकी है। हमारे पास अधिक विकल्प है और अन्य खिलाड़ियों को समय के साथ साथ आत्मविश्वास की भी आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के साथ यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट बैंकों पर हमला करने के बाद रूसी हैकर अब एक पूर्ण युद्ध के बीच स्थानीय लोगों को चुप कराने के लिए यूक्रेन में इंटरनेट की बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 137 लोग मारे गए हैं, कई घायल भी हुए हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस उनकी जान लेना चाहता है। यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं कच्चे तेल का दाम भी आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी कीमतों में इजाफा होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा एक कमोडिटी भी है जिसकी कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वो कमोडिटी है पैलेडियम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में पैलेडियम का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में ही होता है। मैच में भारत की तरफ से ईशान किशन ने कमाल किया। उन्होंने 89 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस इनिंग में किशन ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। ईशान किशन ने अपनी पारी में कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को किशन ने पछाड़ दिया है। T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने बतौर विकेटकीपर 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी। चीन के अपने निष्क्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में ले जाने के बाद अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ का एक नया खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने चीन के शिजियान 21 उपग्रह ने एक निष्क्रिय चीनी उपग्रह को उसकी जगह से स्थानांतरित कर उसकी भूस्थैतिक कक्षा बदल दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को देखते हुए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने फेसबुक यूजर के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक फीचर जारी किया है, जिसके तहत यूक्रेन में मौजूद लोग अपने फेसबुक पेज को लॉक कर सकते हैं। ये फैसला उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के बाद बड़ी संख्या में यूक्रेनियंस को मारने के लिए लिस्ट बना रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं को लेकर इससे पहले समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस मामले की जांच पिछले 3 वर्षों से चल रही है और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की एक ताजा रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तारी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आम बजट 2022 में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर लगातार बल दे रहा है और इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70% घरेलू उद्योग के लिए रखा जाना सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाइडेन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को चुना है और अब वो इसका परिणाम भुगतेंगे। हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। VTB सहित रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन में हमारी सेना जंग के लिए नहीं जाएगी। नाटो के सभी देशों को हमारा समर्थन रहेगा। ये हम सबके लिए एक खतरनाक समय है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नन्नू कुमार, साहिल कुमार, विनोद कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, धीरज कुमार, सोनी रवि, जितेंद्र ठाकुर, राजीव रंजन, ऋषि राजावत, मुकुल देव, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद प्रेमी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बीते दिन भारत बनाम श्रीलंका बीच खेले गए मुकाबले में किस खिलाड़ी के कारण भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।